जब हम लोग रिडीम करेंगे लेकिन उसको रिडीम कैसे देंगे उसको रिडीम देंगे हम लोग शेयर में कन्वर्ट करके मतलब उसको कोई भी हम लोग को पैसा नहीं देना डेवेंचर होल्डर को हम लोग को क्या दे देना है हम लोग को डिवेंचर होल्डर को जितना अमाउंट का उसका डिवेंचर था उतना अमाउंट का उसको पैसा दे देना है तो हम लोग इस वीडियो में उसी का जर्नल एंट्री उसका क्या क्या एडवांटेज है मतलब किस तरीके से उसमें क्या डी आर आर बनता है या नहीं बनता है वो सब हम लोग उसका दो केस है आफ्टर मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी ठीक है तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को yeah. Conversion of debenture into shares. मतलब तो आप लोग समझ ही गए कि जो भी डेवेंचर है हम लोग का मतलब as a company अगर जो भी मेरा debenture हम हम को को तो वो सब लोग क्या करेंगे पैसा नहीं देंगे डिवेंचर होल्डर को क्या करेंगे उसको उसके बदले में क्या करेंगे शेयर ही इशू कर देंगे है ना तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाई कन्वर्टिंग इंटू शेयर शेयर में उसको कन्वर्ट करके भी हम लोग डिवेंचर वगैरह कर सकते हैं रिडीम कर सकते हैं ठीक है एट पार और एट प्रीमियम या तो पार पे भी या तो प्रीमियम पे भी आफ्टर और बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द डिवेंचर मतलब क्या है कि मैच्योरिटी से पहले भी कर सकते हैं और मैच्योरिटी से के बाद भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? मतलब मैच्योरिटी ma पे भी कर सकते हैं और मैच्योरिटी से पहले भी कर सकते हैं समझ रहे है ना बात तो देखिए लेकिन एक चीज इसमें छुटा हुआ है वो ये है कि सर शेयर को पार पे भी इशू कर दिए और प्रीमियम पे भी कर दिए लेकिन डिस्काउंट पे क्यों नहीं किए तो हम लोग को पता है क्या पता है शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट डिस्काउंट पे शेयर को हम लोग कभी इशू नहीं कर सकते शेयर कैन नॉट बी इशूड टू पब्लिक एट डिस्काउंट टू पब्लिक छूट गया यहां पे ठीक है टू पब्लिक टू पब्लिक एट डिस्काउंट ड्यू टू कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन like 53 अलाउ नहीं करता है डिस्काउंट में बताए ना सिर्फ एक जाता है, है ना? और अगर नहीं देखे, तो बटन पे लिंक डाला हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि नहीं अलाउ करता है तो चलिए अब, तो अब हम लोग इसका देखेंगे कि आफ्टर मैच्योरिटी में जर्नल एंट्री का केस कैसे तो चलिए अब हम लोग आफ्टर मैच्योरिटी वाला केस देख लेते हैं ठीक है थीके? उसमें हम लोगों को कैसे जर्नल एंट्री करना होता है तो सबसे पहले उससे पहले क्या होगा एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है क्वेश्चन बेसिकली होता है कि भैया 100 डेवेंचर था सो डिवेंचर था हंड्रेड टेन परसेंट नाम है टेन परसेंट डेवेंचर कितना का था हंड्रेड टेन परसेंट डेवेंचर ठीक है और कितना का एट द रेट एट द रेट टेन ईच दस रुपया का एक था ठीक है और इसमें हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है इसमें बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना था इसमें हम लोग को रिडम्सन पे भी दो रुपया देना था रिडीमेबल एट रिडीमेबल एट द रेट टू रुपया ठीक है दो रुपया क्या हम लोग को देना था हम लोग को रिडम्सन देना था अब जरा सा इसको क्या कीजिए शेयर में कन्वर्ट कीजिए ठीक है तो शेयर में बोल रहा है क्या पार पे हम लोग प्रीमियम वाला थोड़ा देर के बाद देखेंगे पहले पार पे तो इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है किस में शेयर में अब समय पुर चुका है समय पुरने के बाद मतलब मैच्योरिटी का मतलब वही ना हुआ कि का लाइफ खत्म हो चुका है ठीक है तो डिवेंचर का लाइफ अगर खत्म हो गया है तब तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं होगा डायरेक्ट इसको हम लोग को सीधे क्या करना है डिवेंचर वालों को भैया दे देना है पैसा है ना तो हम लोग क्या करेंगे देखिए सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे कि देखिए एक सौ डिवेंचर था इंटू दस और दो बारह रुपया करके तो कितना हुआ बारह सौ रुपया का डेवेंचर हुआ ठीक है तो बारह सौ रुपया हम लोग क्या करना है डेवेंचर होल्डर को पे करना है है ना तो चलिए एक जर्नल एंट्री देखते हैं सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा देखिए सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा टेन परसेंट डेबेंचर अकाउंट डेबिट ठीक है टेन परसेंट अकाउंट डेबिट कितना हंड्रेड इंटू टेन यानी कितना हुआ एक हजार ठीक एक हजार से मेरा डेबिट हो गया ठीक दूसरा क्या होगा वहां पे आप लोगों को याद है जिस समय में हम लोग ये डिवेंचर को इशू किए होंगे उस समय में हाँ इशू करने के टाइम में ही हम लोग इस रिडम्शन का ये जो रिडम्शन जो देना है रिडम्सन के टाइम में जो हम लोग को लॉस लगने वाला है दो रुपया का उसका उसी समय में हम लोग करके रख देते हैं है ना उसी समय में हम लोग उसको क्रेडिट बना के रख देते हैं याद आ रहा है आपको नहीं याद आ रहा है देखिए आय बटन पे उसका लिंक डाला हुआ है ठीक है आप वहां से जाके देख सकते हैं तो देखिए तो जब वहां पे डेबिट क्रेडिट हो रखा होगा तो यहां पे हम लोग को उसको डेबिट करना है है ना तो डेबिट क्या के करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्सन ठीक है क्या चीज हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडमशन अकाउंट ठीक है रिडम्सन अकाउंट ठीक है ये भी डेबिट हो जाएगा कितना से ये तो हो जाएगा आराम से दो से और डेबेंचर होल्डर को भैया कितना पैसा देना है डेबेंचर डेवेंचर होल्डर अकाउंट ठीक है होल्डर को कितना पैसा देना है देखिए बारह सौ रुपया देना है तो मेरा बेसिक सा सबसे पहला जर्नल एंट्री यही हो जाएगा बारह सौ रुपया अपना नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा तो हो गया टेन परसेंटर डेवेंचर अकाउंट डेबिट और बारह सौ रुपया डेवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट ठीक है अब यही डेवेंचर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे शेयर इशू करेंगे है ना तो देखिए बारह सौ रुपया है और मेरा एक शेयर का दाम हम लोग मान लेते हैं शेयर का एक शेयर का दाम है रेट ऑफ वन शेयर रेट ऑफ वन शेयर बीस रुपया बीस रुपया एक शेयर का दाम ठीक है पर पे बीस रुपया ही दाम है उस शेयर का तो हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे बाई ट्वेंटी कितना हुआ साठ हुआ तो यानी कि हम लोग क्या करना है सिक्सटी शेयर इशू करना है, है ना साठ गो शेयर हम लोग को इशू करना है सिक्सटी शेयर तो जब हम लोग को सिक्सटी शेयर इशू करना है तो सबसे पहले तो डेवेंचर होल्डर जो यहां पे क्रेडिट हो रखा है, कितना से 1200 से है ना बारह सो से हम लोग कर दिए आराम से इशू ठीक है बारह सौ से इसको जितना था उतना से कर दिए अब देखिए अब हम लोग कितना करना है सिक्सटी डेवेंचर क्या कर रहे सिक्सटी 60, 60 उसको शेयर दे देना है ना साठ शेयर दे, दे देना है जिसका एक शेयर का दाम कितना है बीस रुपया है, है ना तो क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना से बारह क्यों होगा बारह तो हो जाएगा आपको सिक्सटी इंटू ट्वेंटी यानी कि बारह तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आर कन्वर्टेड इंटू सिक्सटी शेयर्स ठीक है वो हम लोग आराम से कर देंगे जर्नल इंट्री तो ये हो गया आपका पार वाला कंप्लीट ठीक है पार वाला डिस्काउंट पे तो देना नहीं अब एक चीज और हम लोगों को सीखना है वो क्या है वो हम लोगों को सीखना है प्रीमियम वाला है ना प्रीमियम वाला सीखना है तो मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से देखते हैं दस रुपया था ये क्वेश्चन को भूल जाइए अब ठीक है अब रेट क्या था रेट था रेट ऑफ शेयर दस रुपया था और इस पर हम लोग को प्रीमियम देना था पांच रुपया ठीक दस hey? रुपया शेयर का वैल्यू था और पांच रुपया प्रीमियम देना था तो उस केस में भी जनरल पहला जो पहला जो एंट्री होगा पहला एंट्री तो कुछ ऐसे ही बनेगा है हाँ ना पहला एंट्री ऐसे ही बन जाएगा ठीक है hey? समझ रहे हैं यहां तक अब जो दूसरा एंट्री बनेगा दूसरा एंट्री में ना हम लोग को बोल रहा है प्रीमियम देने के लिए पांच रुपया पांच रुपया प्रीमियम देने के लिए बोल रहा है है हाँ ना तो जब पांच रुपया हम लोग को प्रीमियम देने के लिए बोल रहा है तो हमको पता है कितना अमाउंट है मेरे पास बारह सौ है ठीक है बारह सौ डिवाइडेड बाई दस और प्लस 5 कितना हो गया पंद्रह वन ट्वेंटी और कितना हो गया अस्सी शेयर हम लोग कितना शेयर इशू करना है अस्सी शेयर हम लोग को टोटल इशू करना है ठीक है अस्सी शेयर हम लोग को क्या करना है टोटल इशू करना है तो चलिए अब इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा इसका तो सेम हो जाएगा यहाँ पे जब ये होल्डर ये ये अभी ये नहीं होगा इसमें ठीक है ये होगा कब जब हम लोग को पार पे इशू करना है ठीक है लेकिन जब हम लोग को प्रीमियम पे शेयर इशू करना है तो देखिए अब जन नाइनटी बनेगा यहां तक तो मेरा कंप्लीट है तो यहां तक कंप्लीट है तो देखिए डिवेंचर होल्डर जब यहां पे क्रेडिट हो रखा है तो हम लोग को यहां पे क्या करना होगा डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर होल्डर को डेबिट करना होगा कितना से सेम अमाउंट बारह से कर देंगे ठीक है बारह से कर दिए कोई दिक्कत नहीं चलिए अब जब बारह से कर दिए तो आप देखिए शेयर कितना का इशू किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल आपको याद होगा कि कितना अस्सी ही किए है, है ना और दाम कितना है अस्सी इंटू टेन यानी कितना हो गया आठ सौ रुपया हो गया है ना अस्सी इंटू टेन आठ सौ हो गया मतलब आठ सौ रुपया का हम लोग शेयर इशू किया अब उससे प्रीमियम कितना लिए हैं टू प्रीमियम ऑन शेयर टू शेयर प्रीमियम बोलिए प्रीमियम ऑन शेयर बोलिए सब बात बराबर है वो कितना हो जाएगा चार सौ यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा अस्सी इंटू दस और अस्सी इंटू पांच हो गया और फिर हम लोग नरेशन लिख देंगे बात खत्म ठीक है तो चलिए यहां तक तो हो गया अब इसके बाद हम लोग को देखना है बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर बिफोर मैच्योरिटी मैच्योरिटी से पहले तो एक चीज आपको क्लियरली याद रखना है आफ्टर मैच्योरिटी मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर डिबेंचर को जो हम शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि अब उसका समय पुर चुका है ठीक है तो उसका जो भी लॉस है या जो भी है उसका वो उस समय तक खत्म हो चुका था ठीक है लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले अगर हम लोग क्या करते हैं डिबेंचर को कन्वर्ट कर लेते हैं शेयर में तो उससे हम लोग एक चीज समझेंगे शेयर को हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं नहीं समझे बात देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग मेच्यूरिटी uh, से पहले ना ले ले रहा है उसे मतलब है कि मान लीजिए कि दस साल है उसका टाइम ठीक है दस ईयर दस ईयर के बाद उसका मेच्योरिटी लेना है मतलब दस ईयर के बाद हमको उसका पेमेंट करना है लेकिन हम क्या किए उसको रिडम कर दिए पांचे ईयर के बाद मतलब पांचे साल के बाद हम उसको क्या कर दिए पेमेंट कर दिए ठीक है पेमेंट क्या कर दिया मतलब पांच साल के बाद हम कन्वर्ट कर दिए तो पांच साल के बाद जो हम कन्वर्ट किए तो ये क्या हो गया पांच साल पहले हो गया तो पहले हो गया का मतलब हो गया कि ये जो हम लोग जो शेयर जो इशू कर रहे हैं वो हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं समझे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और उसमें क्या होगा जो भी हम लोग लॉस लगाएंगे जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ठीक है और जैसे कि लॉस ऑन डिस्काउंट डिस्काउंट पे जब हम लोग इशू करते हैं डिवेंचर को तब तो ये सब सब जो भी ये सब केस है वो सब में क्या होगा वो सब में ये आराम से उस सब पैसा को हम लोग बैक कर लेंगे जो भी हम लोग को वो लॉस लगा था वो लॉस को हम लोग बैक कर लेंगे मतलब लॉस वहां डेबिट हुआ था तो यहां पे हम लोग इसको क्रेडिट कर लेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अपने से ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या है वही समझिए कि क्वेश्चन है सौ सौ डिबेंचर ठीक है सौ डिबेंचर दस परसेंट डेवेंचर ठीक है दस रुपया ईच एट रेट एट द रेट दस रुपया ईच क्या किया गया इशू करना था ठीक है हम लोग इशू किए ठीक इशू किए और इसका जो लाइफ है अच्छा दस रुपयाचर इशू किए डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट दिए हम लोग दस परसेंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी दिए हम लोग ऐसे समझिए दस परसेंट ठीक है दस परसेंट हम लोग क्या दिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी दिए और दस परसेंट हम लोग डिस्काउंट भी दे दिए ठीक है तो यानी कि हम लोग का अमाउंट क्या बन गया तो देखिए इसका जो जर्नल एंट्री होगा अच्छा जनरल एंट्री से पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा पहले पूरा समझ लेते हैं देखिए क्या है सौ डिवेंचर है दस परसेंट डिवेंचर का जिसमें हम लोग को दस रुपया के हिसाब से इशू करना है इशू करना है ठीक है जिसमें हम लोग डिस्काउंट दिए दस रुपया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है दस परसेंट मतलब दस दि, परसेंट डिस्काउंट भी देना है और दस परसेंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देना है ठीक है अब हम लोग ये हम लोग का लाइफ था लाइफ क्या था डिवेंचर का लाइफ था टेन ईयर्स कितना लाइफ था टेन इयर्स लाइफ था यानी कि जो भी ये दस दस परसेंट जो भी दो रुपया पर डेवेंचर है वो हम लोग को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं उसको धीरे धीरे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं ना धीरे धीरे तो हम लोग को यानी कि पांच साल के बाद आफ्टर फाइव ईयर आफ्टर फाइव ईयर हम लोग डेवेंचर को क्या किए शेयर में कन्वर्ट कर दिए शेयर में कन्वर्ट किए शेयर कन्वर्ट किए एट द रेट एट मान लीजिए दस ही रुपया दस रुपया पर शेयर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए ठीक है अब इसमें जर्नल इंट्री कैसे होगा पांच साल के बाद जैसे पांच साल तक का जो भी इसमें जो भी हमको लॉस लगा उसका आधा यानी कि पांच साल तक का तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर रिजर्व से कटवा दिए होंगे है ना लेकिन हम लोग पांच साल अभी पांच साल और कटवाना था नहीं कटवा पाए पांच साल पहले ही ले लिए तो इस केस में क्या होगा कि ये चला जाएगा कहा यह चला जाएगा ये वापस कर लेंगे जो जो भी हम लोग जो भी डिस्काउंट वगैरह दिए सब वापस कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से होगा सबसे पहले डेबिट तो तो हो, हो जाता है टू डेवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट ठीक है टू डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा बताइए दस परसेंट डिस्काउंट और दस परसेंट प्रीमियम यानी कि नौ रुपया पे हो जाएगा है ना नाइन नौ रुपया दस परसेंट डिस्काउंट दे दिया नौ रुपया हो गया तो नौ रुपया का पैसा कितना लेंगे नौ सौ और नौ सौ ठीक है नौ सौ ले लिया हम लोग अब देखिए अब जो ये हुआ तो इसको हम लोग को क्या करना होगा ट्रांसफर भी करना होगा ठीक है ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ट्रांसफर का क्या हो जाएगा डेबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से नौ सौ से ठीक है अब देखिए अब, अब हम लोग को एक चीज और बोला गया है क्या बोला गया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले सबसे पहले इससे पहले भी देख लेते हैं डिवेंचर क्या है टू टेन परसेंट डिवेंचर टू टेन परसेंट डिवेंचर अकाउंटेंट डेवेंचर तो डिबेंचर कितना है 10 का यानी कि एक हजार, एक हजार हो गया यहां पे चलिए एक हजार हो गया कोई दिक्कत नहीं अब देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है कितना दस परसेंट है दस परसेंट यानी कि एक रुपया हो गया तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना एक सौ रुपया हो गया है ना एक सौ रुपया प्रीमियमशन भी हो गया अब देखिए मेरा टोटल लॉस कितना लगा डिस्काउंट ऑन ऑन इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ डेवेंचर सॉरी डेवेंचर कितना हुआ एक सौ रुपया डिस्काउंट दिए और एक सौ रुपया क्या दिए लॉस ऑन इशू ऑफ डेवेंचर ये भी एक सौ रुपया दे दिया था तो देखिए अब दोनों तरफ ग्यारह सौ ग्यारह हो गया तो ये मेरा जनरल एंट्री किस चीज का बन गया ये मेरा जनरल एंट्री बन गया यहां तक का है ना अब जो ये लॉस है है ये जो लाइफ है दस साल तो हम लोग इसको ये जो दोनों लॉस लगा दो सौ रुपया धीरे धीरे करके अपना देते रहिए ठीक है धीरे धीरे करके अपना पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते रहिए या तो मन है तो सीधा रिजर्व से ट्रांसफर कर दीजिए अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देखिए उसका भी आई बटन पर लिंक डाला हुआ है ठीक है वहां से भी जाके आप लोग देख लीजिएगा बाद में चलिए ये तो हो गया अब देखिए अब हम लोग क्या करना है मैच्योरिटी कर लेना है पांच साल के बाद तो पांच साल के बाद जैसे ही हम मैच्योरिटी करेंगे तो क्या करना होगा हम लोग को ये एक हजार रुपया और साथ में ये एक सौ रुपया क्या करना होगा डेवेंचर होल्डर को देना होगा है ना तो देखिए तो उसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा उसका जनरल एंट्री हो जाएगा डेबेंचर टेन परसेंट अकाउंट डेबिट कितना से एक हजार का था हजार से कर दिए और जब भी हम लोग बोले हुए हैं कि जिस समय में भी हम लोग रिडीम करेंगे उसको क्या देंगे प्रीमियम देंगे सौ रुपया का तो हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडर्मस अकाउंट ये भी डेबिट एक सौ से ठीक है एक सौ से हो गया अब लेकिन अब ये देखना है कि हम लोग को यहां पे हम लोग को सबसे पहले अपना लॉस का अमाउंट निकाल लेना होगा लॉस का हम लोग का अमाउंट कितना है 100, 100, 200 है है ना तो दो सौ को हम लोग क्या कर रहे थे दो सौ को हम लोग को पांच साल में बांटना था था ना पांच साल में बांटना सॉरी साल में बांटना था दस साल में लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं साल के बाद रिडीम कर दिए तो पांच साल के बाद जैसे ही रिडीम किए तो यानी कि एक सौ रुपया हम लोग अपने या तो या तो दोनों सौ का दोनों सौ रिजर्व में बांट दे दिए होंगे और या नहीं तो एक सौ क्या होंगे अभी तक पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके होंगे और एक सौ अभी भी अभी भी एक सौ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल करके मेरा डेबिट साइड में दिखा रहा होगा मतलब एसेट साइड में दिखा रहा होगा ठीक है तो अगर रिजर्व में सारे को सारा बांट दिए तब तो सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे सीधा हम लोग रिजर्व को ही डेबिट कर देंगे क्रेडिट कर देंगे ठीक है रिजर्व को ही क्रेडिट कर देंगे और अगर वो नहीं हुआ होगा तो एक सौ रुपया हम लोग पीएल अकाउंट से कटवा चुके होंगे तो एक सौ रुपया जैसे ही पीएल अकाउंट से कटवाए होंगे देखिए वो भी करना होगा देखिए पांच साल है ना तो पांच बट्टा दस दो सौ का जितना साल है उतना साल पांच बटा दस कितना हुआ टू एक सौ आया तो एक सौ मेरा अमाउंट यहां पे निकल गया एक सौ क्या हुआ एक सौ अभी तक हम भेज दिए होंगे है ना पीएल अकाउंट में भेज दिए होंगे तो देखिए तो यहां पे पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू पी एंड एल अकाउंट ठीक है टू पी एंड एल अकाउंट ठीक है टू पी एंड एल अकाउंट अदर इनकम यहां पर लिख दीजिए अदर इनकम अदर इनकम बोल के कितना हो गया होगा देखिए अभी तक एक सौ रुपया गया है है ना? तो एक सौ रुपया मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ठीक है एक सौ रुपया सॉरी क्रेडिट हो जाएगा एक सौ रुपया क्रेडिट हो गया और एक सौ रुपया अभी भी लॉस ऑन इशू ऑफ डेवेंचर बोल के रखा हुआ होगा है ना अभी भी लॉस ऑन इशू ऑफ बोल के कहा रखा हुआ होगा बैलेंस शीट में रखा हुआ होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डेबेंचर ठीक है डेवेंचर अकाउंट कितना एक सौ एक सौ देखिए दो सौ रुपया जो हम लोग यहां पे यूज किए थे उसको रिवर्स बैक कर लिए हो गया रिवर्स बैक कर लिए अब देखिए ये नौ सौ रुपया पे किए थे हम हम लोग को आया था नौ सौ आया था ना नौ सौ तो वही नौ सौ रुपया सीधा हम लोग डेवेंचर होल्डर को देने वाले हैं ठीक है टू डेबेंचर होल्डर अकाउंट ठीक है कितना नौ सौ अब देखिए इधर भी हो गया ग्यारह सौ इधर भी हो गया ग्यारह सो तो ये हो गया डिवेंचर होल्डर को हम लोग कितना देने वाले नौ सौ तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर बिफोर मैच्योरिटी होगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि लॉस है या नहीं अगर उसमें लॉस है तो हम लोग को लॉस रिवर्स लगा देना है ठीक है तो क्या करना है लॉस रिवर्स कर लेना है ठीक है तो चलिए इसके आगे आप देखते हैं इसके बाद तो देखिए यहां पे क्या हो गया डिवेंचर होल्डर को मेरा नौ सौ हो गया नौ सौ रुपया हमको डेर होल्डर को नौ दस रुपया तो नौ नब्बे करेंगे? करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए डिवेंचर दे 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 होल्डर यहां पे क्रेडिट हुआ, हुआ हुआ है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे होल्डर को को कर कर देंगे। कितना से 900 से डेबिट कर देंगे ठीक है 900 से डेबिट कर दिए अब डिवेंचर होल्डर को 900 से डेबिट कर दिए तो टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना 900 अगर बोलेगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं देगा तो अगर इसी में बोलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेगा उतना अमाउंट से जोड़ करके और यहां पे हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक है निकाल लेंगे और बाद में फिर आराम से उसको यहां पर डिवाइड करके और शेयर होल्डर से उतना ही रहेगा शेयर से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं पर हो गया आप लोग का ये पूरा डेवेंचर अकाउंटिंग खत्म अब आप लोग जाकर के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं और अगर अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक बटन दबा दीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिविटिंग कॉमेंस को सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें